हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक अगली वीडियो के अंदर, यानी कि अगली वीडियोस ले कह रहा हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने स्पेसिफिकली बैंकिंग के बारे में बात की थी। अब मैं बात करूँगा मार्केट आउटलुक क्या लगता है मुझे। देखिएगा, मार्केट आउटलुक तो नेगेटिव है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये नेगेटिव मार्केट आउटलुक है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। देखिएगा, जब बियर मार्केट होती है, जैसा कि अभी चल रहा है, मुझे लगता है कि ये बियर मार्केट ये पूरे साल भर रहने वाली है, मतलब पेन रहने वाला है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो इस साल, या हो सकता है कि अगले साल भी कुछ थोड़ा समय रहे, बट मुझे पता है कि जो लोग बाजार की गिरावट के अंदर समझदारी से बाइंग करते रहेंगे, और अगले बुल रन में जो हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल ही आ जाएगा, और उस बुल रन में जैसे ही ये रिवर्स होगी इंटरेस्ट रेट साइकिल, क्रूड ऑयल के प्राइस बाजार में बहुत अच्छा जंप हमें देखने के लिए मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आ रही हैं, और मुझे लगता है कि आती भी रहेंगी। ये तो मेरा आउटलुक है बाजार के बारे में। बहुत सारे शेयर्स अभी भी बहुत महंगी वैल्यूशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। जब तक वो महंगी वैल्यूशंस वाले शेयर्स भी सस्ती वैल्यूशंस पर नहीं आएंगे, तब तक बाजार में ये बियरनेस रहेगी। लेकिन बहुत सारे शेयर्स अभी नीचे आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी फंडामेंटल वैल्यूज़ उनमें बिल्कुल ख़त्म हो गई। नहीं, उनमें फंडामेंटल वैल्यूज़ है, वो अपनी फंडामेंटल वैल्यूज़ के नीचे काम कर रहे हैं, उनकी जो हिस्टोरिकल वैल्यूशन है उनके नीचे काम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि और नीचे नहीं जा सकते, जा सकते हैं बिल्कुल, और यही बाजार के अंदर टेस्टिंग होती है। लेकिन जो लोग भी बियर मार्केट के अंदर अपने समझदारी से अपने पोर्टफोलियो में अच्छे वैल्यूबल स्टॉक्स को होल्ड करके रह गए, क्योंकि देखिएगा जब बाजार गिरता है ना तो मन करता है बेच दो। अब इस पूरे बाजार पे एक चीज़ बड़ी साफ साफ हमें नज़र आ रही है, वो ये आ रही है कि निचले लेवल्स पर अब जो पहले हम देखते थे कि बाजार के अंदर जब सेलिंग होती थी तो पैनिक में सब बेच देते थे, और फिर वो सोचते थे कि भाई नीचे जाएगा तो खरीद लेंगे। लेकिन बाजार अब इस तरीके का नहीं है। बाजार में काफ़ी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो सारा पैसा एक साथ नहीं लगा रहे हैं, धीरे धीरे लगा रहे हैं। और बाजार जब ऊपर की तरफ जा रहा है और उनको पता है कि यार ठीक है, एक टेक्निकल बाउंस आ रहा है, तो वो अपना प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो निवेशक हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो एक रेंज बाउंड जो ट्रेड्स हैं वो हमें अगर फ्राइडे का हटा दे पिछले हफ्ते, तो हमें देखने के लिए मिला, और ऐसा ही हमने प्रिडिक्ट भी किया था जब सोमवार की वीडियो में हमने आपके साथ बात की थी। अब बाजार में जो दूसरी चीज़ हमें नज़र आ रही है, वो आ रही है रिलायंस के अंदर। बहुत लोगों को लगता है कि यार रिलायंस खाली क्रूड ऑयल के प्राइस के ऊपर की वजह से चल रहा है, लेकिन उसका जो टोटल बिजनेस है उसको भी अगर हम देखें तो 2800 रुपये के आसपास के भाव में, अगर ये खाली ऑयल की वजह से आपको लगता है कि वहाँ पर टिका हुआ, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस बिज़नेस के अंदर ना, क्योंकि मुकेश अंबानी ने 4-5 महीने पहले एक चर्चा की थी कि भाई मैं अपनी जो वेल्थ है या जो मेरी प्रॉपर्टीज़ है, मैं उसको इस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों में ना झगड़ा हो, और वो प्रॉपर्टीज़ ऐसे बढ़ जाए कि जो कंपनी का कॉरपोरेट कल्चर है वो भी बना रहे, और किसी तरीके से जो हमारी फैमिली में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका असर ना हो। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपर्ट से जो है इसके बारे में राय ली है। तो शायद ये एक रीज़न हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े जो प्लेयर्स हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो शायद कहीं पर एक वैल्यू अनलॉकिंग ढूंढ रहे हैं कि भाई इसमें कुछ वैल्यू अनलॉक हो सकता है। खोने के लिए 300-400 रुपये है, मान लीजिएगा अगर वो नहीं भी होता है तो 2200-2300 रुपये बहुत अच्छा बेस है, आपको पता है रिलायंस में। तो शायद वो इस तरीके के जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो इस शेयर्स के ऊपर बैठ कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो ट्रेडर्स हैं वो 2800 के आसपास प्रॉफिट बुक भी करते हैं। तो जो ट्रेडर्स थे वो मैंने भी बोला था कि भाई अगर आप 2800 में कम्फर्ट है तो एक अच्छे रनअप आपके पास मिल चुका है, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इस तरीके के बाजार में देखिए ITC ने भी काफ़ी अच्छा सरप्राइज किया। मान लीजिएगा हम जब बोल रहे थे कि भाई बाजार तेज था तब ITC नहीं चलता था, लेकिन बाजार अभी आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट किए हुए। बट मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ITC बहुत बढ़िया हो गया, हम ये मानते हैं कि 70-80 रुपये आपके पास आ रहे हैं जिन प्राइस से वो चल रहे हैं। तो जिन लोगों के पास है वो चाहे तो पार्शल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि बाजार में दूसरे मौके भी मिलते रहेंगे अभी। अब बाजार के अंदर आउटलुक कैसा है, मेरा आउटलुक ये है कि बाय ऑन डिप्स है, अब सेल ऑन राइज नहीं है, अब बाय ऑन डिप्स है। मैं बाजार के अंदर यही मानता हूँ कि अब जो डिप्स आएंगे वहाँ पे आप इंडेक्स में गिरावट मत देखिएगा, इंडेक्स के बाहर जाके आप कोशिश करिए कि जो बेहतरीन कंपनीज़ हैं जो अच्छा कर सकती हैं वो काफ़ी अच्छा कर सकती हैं। और मैं वैसे जनरली मेरे फेवरेट्स नहीं होते हैं वो सेक्टर्स,
लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि इस बाजार की परिस्थिति में जिस तरीके का इन्फ्लेशन साइकिल है, डीजल पेट्रोल के प्राइसेस हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, रशिया यूक्रेन का जो वॉर है, उन सारी सिचुएशंस के बीच में मुझे अभी कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे फेवरेट्स नहीं है, और शायद मेरा स्टॉक फॉर द मंथ जो हम अल्फा एम्बेस के साथ शेयर करते हैं वो कह PSU स्टॉक होने वाला है। तो वो PSU स्टॉक्स जनरली मैं लाइक नहीं करता। एक GNFC आप लोगों के साथ मैंने काफ़ी बोल्ड तरीके से शेयर किया था, इसी तरीके से एक दो और PSU शेयर्स, बट मेरी जो फेवरेट साइकिल रहेंगे ये जनरली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनकी बड़ी पसंदीदा होते हैं PSU बैंक्स, मेरे नहीं है। मोस्टली जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलते हैं सबको PSU बैंक्स पसंद होते थे पहले भी, और जब हम आर्टिकलशिप में भी थे तब भी, अब पूछोगे तो आप जो CA लोग होते वो बैंक खरीदना पसंद करते थे, सरकारी बैंक। बट मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। अभी भी मैंने जो आपको पिछली वीडियो में 3 शेयर्स की बात की उसमें SBI शामिल नहीं था, हालांकि SBI भी एक अच्छी वैल्यूशंस वाला शेयर है, लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है मैं उसको नीचे खरीदने में जो ज़्यादा बिलीव करता हूँ SBI को इन वैल्यूशंस के। SBI पे भी मैंने 2-3 साल पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी कि किस तरीके से उसमें वैल्यू है। अब ऐसे शेयर्स बाजार की गिरावट में नहीं गिरेंगे, मैं वो बताता हूँ आपको कौन से शेयर नहीं गिरेंगे, जिन कंपनीज का रेगुलर कैश फ्लो मॉडल बहुत बेहतरीन है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पहली बात। दूसरी बात ये देखिएगा पिछले 5-7 साल में वो लॉस में नहीं गई है, यानी कि बाजार की पूरी अगर 8 साल की साइकिल अगर आप देखें तो बाजार की पूरी 8 साल की साइकिल में वो लॉस में नहीं गई है। तीसरी बात ये है कि वो कंपनियां डिविडेंड पेइंग है, और जिनकी डिविडेंड यील्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनकी डिविडेंड यील्ड 2.5-3% है और रेगुलर बेसिस पर 2.5-3% से ऊपर रही है पिछले 3-4 साल में, तो ऐसे शेयर्स मोस्टली आपको PSU स्टॉक्स सेक्टर में मिलेंगे। ऐसे शेयर्स में गिरावट आने के चांसेस बहुत कम है। आज से 5-7 साल पहले मुझे एक शेयर्स बड़ा पसंद होता था, पोर्टफोलियो में भी रहा कुछ समय तक, पॉलीप्लेक्स इंडिया, उसको कोई हाथ नहीं लगाता था, वो सिमिलर टाइप का था, 4-5% उसकी डिविडेंड यील्ड आती थी। अभी तो वो 2600-2700 रुपये हो गया, हम उसमें 300-400 रुपये में काम किया करते थे और मैं शायद 600-700 रुपये में एग्जिट कर गया, और उसके बाद जो है वो शेयर्स हमने एक दो बार ट्रेड भी किया, पर वो 2-3 बार ट्रेड में ऐसे ही वो 500 रुपये के आसपास चलता रहता था, और उसमें सबसे खास बात ये आती थी कि साल भर का 5% आपका डिविडेंड पक्का था। तो वो शेयर्स अभी मेरे ख्याल से 2600-2700 रुपये में, पर 2600-2700 रुपये में मेरी हिम्मत नहीं होती उसको खरीदने की, ये वो मेरा कम्फर्ट नहीं है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इसी तरीके के जो बहुत सारे शेयर्स हैं वो बाजार के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, तो जो डिविडेंड यील्ड है उसको आप ध्यान रखिएगा। बाजार में जब इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो होता क्या कि शेयर बाजार तो नीचे आता है और बैंकों में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलता है, तो बहुत सारा पैसा शेयर बाजार से निकलकर FDs में जाता है या बॉन्ड मार्केट में जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आप ऐसी कंपनीज को पकड़ सकते हैं जहां पर की कंपनियां रेगुलर बेसिस पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरेट कर रही हैं, रेगुलर बेसिस पर वो कंपनियां जो है डिविडेंड पे कर रही हैं, रेगुलर बेसिस पर नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, और इसके साथ साथ वो जो कंपनी है उसकी मैनेजमेंट अच्छी है और उसकी जो साइकिल्स है वो उनको आप ध्यान रखिएगा। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट उनकी पी रेशो कोशिश ये करें, क्योंकि जो हाई डिविडेंड यील्ड कंपनी जो ज़्यादा अच्छा करती है इंडिया में उनको शायद वैल्यू कम मिलती है, तो ऐसी कंपनी आपको 12-15 से नीचे की पी वैल्यूशंस पर मिले। तो इस हफ्ते तो मैं जिस शेयर्स की चर्चा करूँ, मैं शायद कल या परसों आपके साथ स्टॉक फॉर द मंथ की बात करूँगा अल्फा एम्बेस, तो वो स्टॉक्स हम इस कैटेगरी में ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनका आगे जो है एक विजन भी क्लियर है। तो मुझे लगता है कि बाजार की गिरावट से घबराइए मत, आपको ट्रेड करने का देखिएगा अलग तरीके हैं। ट्रेड करने के लिए मुझे लगता है कि इस समय पर बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं, उनको गिरते हुए देखिए, जब वो गिर जाएं तो उनको पकड़ लीजिएगा। और बैंक निफ्टी स्टॉक्स में एक सबसे खास बात यह है कि बैंक निफ्टी स्टॉक्स को जो है ऊपर नीचे करना बाजार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना, तो बाजार अपने आप ऊपर नीचे करेगा क्योंकि वो इंडेक्स में, और सबसे ज़्यादा इंडेक्स में जो काम होता है निफ्टी के बाद जिस इंडेक्स में काम होता है वो बैंक निफ्टी है, तो उसमें जो ऑप्शंस ट्रेडर्स होते हैं तो उनको ऊपर नीचे करने के लिए, पिछले महीने भी मैंने आपके साथ HDFC बैंक की बात की थी, तो वहां से 100 रुपये का रहना, अब इंतजार करिए दोबारा से उन प्राइज के आसपास आने दीजिए, और हालांकि उन प्राइज के आसपास जो आएंगे मुझे लगता है कि उनके आसपास हो सकता है आपको उन प्राइजेस पे तो नहीं, पर उसके 10-20 रुपये ऊपर तक शायद आपको कल भी वो प्राइस देखने के लिए मिल जाए। तो इस तरीके से बाजार में मुझे लगता है कि किस चीज़ कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है उन पर जो है आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। जितनी वीडियो मैंने पिछले हफ्ते मिस करी वो सारा मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, तो अभी इस वीडियो को आप शेयर करिएगा कि बाज़ार में किस तरीके के शेयर्स में इन्वेस्ट करें इस समय पर,
बाजार की इस गिरावट में किस तरीके के शेयर्स में इन्वेस्ट करें, तो उस तरीके के शेयर्स आप ढूंढने की कोशिश करिए, मुझे लगता है कि सबसे उचित होगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। अभी मार्केट एनालिसिस अभी बचा हुआ है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।